जो जिस पार्टी से मैं बना था आप लोगों ने बनाया था, मेरा तो उससे तो दो तीन दिन में तोड़ हो गया। एक गलती जरूर हुई है मेरे सर, उसका तो पश्चाताप मैं कर मरे भी नहीं पूरा कर सकता। आप लोगों ने जो मेरी मदद करके मुझे बनाया उसका एहसान मैं मेरे जिंदगी जीता नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। 10 विधायक जीते थे, उनको साथ लेके चल रहा था, एक मंत्री बनता बनता बाज गया। मैं इस मंशा को लेके मैं इस पार्टी में शामिल हुआ था, होना नहीं चाहता था। रात में सोए तो मंत्रालय, सुबह उठे तो मंत्रालय। अबे मैं क्या करूं? नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे भाई, आप लोगों ने जो मेरी मदद करके मुझे बनाया उसका एहसान मैं मेरे जिंदे जी उतार नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। मैं चाहता था मैं आपका एहसान उतारना, लेकिन आपका कर्ज भाई सिर पे लेके मरूंगा, मेरे बस की बात नहीं है। और मुझे पता भी नहीं था कि इस तरह का एमएलए बनूंगा मैं, लेकिन भाई बन गया। भाई जो थारे दुख सुख का सीरी हो, बारह के छत्तीस बरादरी के भाई मिलके मिला बेड़ा पार कर, इसकी सुन लो क्या है जो इन लगे तुम्हारा याद है इसका भी। तो यहाँ तक सवाल इस चबूतरे का है भाई, मैं इस भाई ने बताया कि 51 लाख रुपए दे दिए भाई, मैंने अभी तक सिर्फ 42 लाख रुपए दिलवाए। कोशिश करूंगा, इनने जो कहा है उतने तो कोशिश करूंगा करने की, और भाई नहीं तो और फालतू कर पाया तो वो भी कोशिश करूंगा, पर मेरे हाथ पर यह कुछ है नहीं। और मैं तो एक बात कहूंगा सिर्फ भाई, खास तौर से देवेंद्र बबली से कहूंगा, मेरा जो जिस पार्टी से मैं बना था आप लोगों ने बनाया था, मेरा तो उससे तो दो तीन दिन में तोड़ हो गया था। उसके बाद मैंने बबली से कहा, मगर भाई देवेंद्र तू कोशिश कर ली, तू मेरा प्यारा आदमी है, बहुत लाड करता हूँ तेरे से, तू बन जा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बन गया भाई मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस मंशा को लेके मैं इस पार्टी में शामिल हुआ था, होना नहीं चाहता था। मेरे दिमाग में तो ये थी कि भाई नौजवान लड़का है, चौधरी देवीलाल का पढ़ पोता है, मैंने कहा इसको बहुत आगे लेके जाएंगे, लेकिन भाई उसका तो इरादा कुछ और था। तो उसका इरादा मैंने पहले दिन भाप लिया, इससे फालतू ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि देवेंद्र बबली पे उससे महकमे का है, आगे तो मेरा नहीं इसका क्या करेगा, पर एक तक तो है भाई, क्योंकि आदमी भला आदमी है, भला दिन ज्यादा दिन नहीं टिका करता है। एक गलती जरूर हुई है मेरे सर, उसका तो पश्चाताप मैं कर मरे भी नहीं पूरा कर सकता, और वो दुखती भी रख अमरदीप दबा गया, ना जिक्र करता तो भी काम चल जाता। आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी अमित कह रहा था काम काम गिनवाड़े लग जाऊंगा तो बहुत हुए, और सामूहिक तौर पर हुए। आज 400 करोड़ से ऊपर की तो आपके सड़कें या तो बन चुकी या अंडर प्रोसेस है। आज हमारे गांव लेवल पर जो काम थे उनको भी गति मिली, एक लड़ाई हमने भी सबने मिलकर लड़ी, चाहे वो सिसाए और बास को एमसी से वापस गांव बनाने के, उसमें भी कामयाब। पर एक चीज जरूर मैं समझा कि आजकल मजा वही बात का आता है जिसमें थोड़े लच्छे जले। मेरे पास कई साथी आते हैं जो 20 साल हो गए, टूट गए मर गए। 10 विधायक जीते थे, उनको साथ लेके चल रहा था, एक मंत्री बनता बनता बाज गया। रात में सोए तो मंत्रालय, सुबह उठे तो मंत्रालय। अबे मैं क्या करूं?
मगर फिर भी संगठन टूटने तो नहीं दिया। संगठन तो आज भी खड़ा है, एक आदमी बाजे है बट्टा बिठा रहे तो थे बिठा दे उसका। सारे लाखों के जोर लगाओगे अपने आप ही नहीं बैठ जाएगा।